शौकत भाई, ये मैं सेक्शन में आया तो मैंने ये देखा, ये फिब्बी कैटल फार्म की जगह फिब्बी का ये गोट सेक्शन है। तो यहाँ पे माशाल्लाह यानी बकरे भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल है। यहाँ पे भी बताइएगा यहाँ पे ये कौन सी नस्ल है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, ये ब्राउन कलर के सारे खूबसूरत पतले पतले सिंह के साथ ये हैं। इसकी क्या नस्ल है भाई, ये कौन सी नस्ल कहलाती है? असल में ये हमारे जो गो जो साइड है ये वाला बकरों का, जी जी, ये संभालते हैं, जिम्मेदारी इनके। ठीक है, सही। तो आपको जो है सारी डिटेल बकरों के बारे में आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल, आइए भाई, आपका नाम क्या है भाई? जी, मेरा नाम नदीम। नदीम भाई, ये मुझे बताइए कि ये कौन सी नस्ल है वैसे? ये गोल्डन टावर है। ये गोल्डन टावर है, और क्या मतलब इसकी खसूसियत क्या है बाकी? क्योंकि वैसे तो ये बड़े हिरन टाइप की इनकी गोल्डन कलर है, इनका खसूसियत ये है कि गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर है, और इसकी प्राइस रेंज क्या है, मतलब अंदाजन? 60,000 से लेके 80,000 रुपए तक। 60,000 से लेके 80,000 है। और इनके वजन क्या है, मुख्तलिफ वजन है? यानी क्या क्या वजन हो गया अंदाजन? 20 किलो वाला भी है, 25 किलो वाला भी, 35 किलो वाला है। अब देखें, यहाँ पे दुम्बे भी लेने आ सकते हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ नस्ल के मुख्तलिफ जगहों के दुम्बे हैं। ये देखिए आप, खूबसूरती देखिए इसकी, इस दुम्बे की जबरदस्त। इसका वजन कितना होगा अंदाजन भाई? डेढ़ मन इसका वजन होगा। ये कितने दांत का है दुम्बा? चार दांत का दुम्बा। यहाँ वैसे अमूमन जितने जो बकरे और दुम्बे हैं कितने दांत के हैं अंदाजन? यानी दो से चार के हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे भी, क्योंकि बकरे बहुत माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या वैरायटी इनके पास मौजूद है। अच्छा, ये भाई बताइएगा ये कौन सी नस्ल का बकरा है? नाकी नस्ल है। क्या मतलब ये कितने दांत का है? ये चार दांत का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या इसका वजन होगा भाई? सवा मन होगा माशाल्लाह। ये तो मतलब क्या कहने हैं माशाल्लाह इसकी हाइट के और उसके जबरदस्त। सर ये इस कलर में बदरंगे आते हैं। अच्छा माशाल्लाह, गुलाबी है ये घंटी के कलर। तो नाजरीन ये वाला बकरा भी देखिए। अच्छा, इसकी प्राइस रेंज क्या होगी अंदर? 8 लाख। सही, जबरदस्त। और भाई बताइए कि आपके पास और कौन से खास नस्ल के बकरे हैं, जो वो दिखाइएगा। हमारे पास राजनपुरी वो दिखाइएगा भाई। ये माशाल्लाह ये कौन सी नस्ल है भाई? ये तो ये राजनपुरी नस्ल है भाई। और ये माशाल्लाह तीन मन वजन है भाई इसका माशाल्लाह से। और ये कितने दांत का है भाई? ये 6 दांत का है माशाल्लाह। इसकी हाइट देखें आप और जान देखें तो ज़बरदस्त खूबसूरत जानवर है ये देखने के लिए भाई, ज़बरदस्त है ये माशाल्लाह। जिनका भी भाई जो भी लें उसके अल्लाह मियां कुर्बानी कबूल करे, जानदार जानवर है, ज़बरदस्त। तो ये भी यूनिक नस्ल होगी मेरे भाई, क्योंकि ये भी इतना आराम से मैं तो कहूँगा अवेलेबल नहीं है। नहीं, सही, जबरदस्त भाई। और बताइए और आपके पास और कौन से हैं? अच्छा भाई, ये कौन सी नस्ल है? कौन सी? बिस्लक। अच्छा, ये बिस्लक नस्ल है। और ये कितने दांत का है? ये दांतों में दो है। दांतों में दो है माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या इनका वजन होगा अंदाजन? डेढ़ मन माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। आप देखें ये भी बकरा, यहाँ पे खूबसूरत बाल देखें और कलर देखें इसका, सब बताओ, वजन भी देखें माशाल्लाह, जानदार कुर्बानी के जानवर अवेलेबल हैं यहाँ पे भाई। ये बताइएगा ये कौन सी नस्ल का बकरा है और क्या इसका हिसाब किताब है? कौन सा है ये नस्ल? ये सिंदरी है। सिंदरी है भाई। और माशाल्लाह इनका क्या साढ़े तीन मन वजन है इसका। और ये कितने दांत का है? 9 लाख। अच्छा, और ये कितने दांत का है? ये 6 दांत। 6 दांत का है माशाल्लाह, जबरदस्त। आप देखें, जान देखें, ताकत देखें, खूबसूरत जानवर है ये भी। फिब्बी कैटल फार्म में अवेलेबल है। अच्छा भाई, ये खाने के लिहाज से मतलब इसको क्या क्या खिलाया जाता है? गंदम, चोरी, अच्छा, घास वगैरह, मक्खन भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी आप लोगों की मेहनत नज़र आ रही है और जानदार जानवर नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त। अब भाई कहाँ का है, क्या कौन सी नस्ल है और क्या वजन है? सुदानी मेंढा है, ईरान का है मेंढा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ईरान का मेंढा। 12 लाख इसकी कीमत है, 12 लाख रुपए। और ये मुझे बताइए इसका वजन कितना है अंदाजन? वजन होगा 7 मन। सवा मन माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और इसकी खाल देखें, शक्ति देखें, मतलब ये भाई माशाल्लाह फिब्बी कैटल फार्म के हैं। आपको बड़े जानवर, बछड़े बछड़ियाँ, इसके साथ साथ बकरे दुम्बे सारे अवेलेबल हैं, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ रंगों के अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ आइए और अपने कुर्बानी के जानवर परचेज़ कीजिए
और अल्लाह में आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करें। आप देखें ज़रा इसकी खूबसूरती, देखें बेहतरीन। तो नाज़रीन हम शुक्रिया अदा करते हैं नदीम भाई का, जिन्होंने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बकरे भी दिखाए और उनकी नस्लों के बारे में वज़न और प्राइस वगैरह। हमारा चैनल एसएमआर ट्रैवल देखते रहें, आपको इंशाल्लाह नई वीडियोस कैटल फार्म की और तमाम चीज़ें मालूमात आती रहेंगी। ठीक है जी, शुक्रिया।